हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं यह पूजा के समय से ये स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा सुबह का पूजा हो चुका है और सभी जगह में, और यह मैं परवल पहले से छील चुकी थी और इसे मैं भुंजिया बनाने जा रही हूँ, जिसे मैं काट लेती हूँ अच्छी तरह से। और सुबह में तो बहुत बारिश हुई थी और उसके बाद धूप निकला, तो मैंने सारे कपड़े सूखने को दे दिया और कपड़े भी सूख चुके हैं। और आज मैंने नाश्ते में बनाया था सैंडविच, जो हम लोग खा पी लिए हैं। और अब मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। अब इधर मैं सब्जी काट लेती हूँ। परवल बिल्कुल ताज़े मिले थे और इसकी भुंजिया बहुत अच्छी लगती है, कम मसाले में बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। और ये सब्जी मैंने काट लिया है, देखिए। और मैं एक मीडियम साइज का प्याज भी काट लिया है साथ में। अब मैं तैयारी और आज मैं सिंपल ही खाना बनाने जा रही हूँ। दाल, चावल, आलू का भरता और परवल की भुंजिया। दाल हमारी हो चुकी है और इसमें से मैं आलू निकाल लेती हूँ। और इसे मैं ठंडे होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ये बहुत गर्म है, इसका छिलका उतारना में बहुत गर्मी भी पड़ रही है, बारिश हुई है तो। और इधर मैं एक बर्तन में दाल को निकाल लूंगी। और ये दाल मसूर की है, जो बहुत टेस्टी खाने में लगती है। मैं हमेशा इस दाल में नेनुआ भी डाल के बनाती हूँ, मगर नेनुआ नहीं था तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। और आलू को मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और इसमें मैं केले की चटनी भी बनाने जा रही हूँ, जिसे मैं उबाल लिया हूँ पहले से। और एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि चावल में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं कुकर में नहीं चावल बनाती हूँ। हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है कुकर का चावल और ना हमें भी पसंद नहीं है। और इसे मैं ढक देती हूँ, क्योंकि चावल मैंने पहले ही से धो डाला था। और एक तरफ मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है और उसमें मैं तेल अब डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ बनाने के लिए भुंजिया परवल की। तेल हमारा धीरे धीरे गर्म हो रहा है। आज बहुत बारिश हुई सुबह में, लगता है कि रात भर हुआ है बारिश, मगर मुझे पता नहीं चला क्योंकि मुझे नींद पड़ चुकी थी और मुझे लग रहा था। एक दिन पहले मैंने जो कपड़ा दिया था सूखने के लिए, वो भींगा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि आज सूख पाएगा कि नहीं। मगर थोड़ी देर बाद धूप निकल चुकी थी और सारे कपड़े को मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। और तेल इधर गर्म हो चुका है, इसमें मैंने खड़ा मिर्चा डाला है और जीरा ऐड किया है। और ये धीरे धीरे अब इसमें मैं परवल डालूंगी, जिसे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूंगी। मैं परवल को छीलकर और धोकर तब ही काटती हूँ, क्योंकि इसमें पानी छोड़ देता है फ्राई होने समय, तो वह अच्छी तरह से लाल नहीं हो पाता है और पानी नज़र आने लगती है।
और इसे मैं धीरे धीरे कम आंच पे इसे फ्राई करूँगी। तभी ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं इसमें चाहिए। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी नमक, बाहर धूप बहुत अच्छी निकली है और कपड़े भी धीरे धीरे सूख रहे हैं। और इसे मैं अच्छी तरह से धीरे धीरे चला लूँगी। बारिश होती है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, और जब बारिश होती है तो ठंड भी महसूस होता है। बाहर धूप इतनी अच्छी निकली है कि बता नहीं सकते हैं। रात भर बारिश हुई है और सुबह में भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और धीरे धीरे इसे चलाती रहूँगी। परवल की मिठाई भी बनाया जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये मिठाई, जिसमें मावा भी डाल के बनाया जाता है। और घर पे भी आप लोग भी बना सकते हैं। अगर कभी मौका मिला तो मैं भी बनाकर दिखाऊंगी। अभी सोच ही रही हूँ। और इसे धीरे धीरे मैं फ्राई कर रही हूँ और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। और बाहर हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी और धूप भी अच्छी निकली है। और इधर ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और बहुत टेस्टी बना था, सभी लोग कह रहे थे। और इसे मैं देखिए इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ। और इधर चिड़िया की आवाज़ भी आ रही है। इधर हमारे सारे कपड़े सूख चुके हैं और इसे मैं धीरे धीरे अरेंज कर लूँगी। थोड़े से और कपड़े सूखने को बाकी है, जिसे मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। और मैं कल टहलने गई थी तो मैंने देखा सड़क के किनारे घोंघा बोला जाता है जिसे, वो चल रहे थे। मैंने पहली बार देखा घोंघा किस तरह का होता है और सभी लोग बोले एक घोंघा है जिसे खाया भी जाता है, मगर मैंने पहली बार देखा। और वो धीरे धीरे एकदम चल रहे थे रोड के साइड पानी से निकल करके, और उसे मैं देखती ही रह गई थी। और मंडे से श्रावण की शुरुआत हो जाएगी और इस बार 5 सोमवारी पड़ रही है और उस दिन मैं भी फास्टिंग रखती हूँ, पहला वाला और लास्ट वाला। और हम लोग मंदिर जाते हैं और अभी से मंदिर में सजावट की शुरुआत भी हो रही है धीरे धीरे।
और कहीं कहीं तो मंदिर में भी नहीं जाने दे रहे हैं, मगर हम लोग के बगल में मंदिर खुला हुआ है। इस बार तो सभी लोग अपने घर ही में पूजा पाठ करेंगे। और इस बार पता नहीं बेलपत्र मिल पाएंगे कि नहीं, बेचने वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी भी दिक्कत हो सकती है। नहीं तो हमेशा माली आकर दे देते थे फूल, बेलपत्र, भांग और धतूरा का फूल भी चढ़ाया जाता है। अब धीरे धीरे उसे भी अरेंज करना पड़ेगा। और इधर बहुत सारे कपड़े आज हो चुके हैं, इसमें मुझे टाइम भी लग रहा है। और इधर हल्की हल्की फिर बारिश होने लगी है, फिर बादल छा गया है काला। डर भी लग रहा है कि अब कपड़ा सूख पाएगा कि नहीं। पहले जो सूख चुका फिर से मुझे उठाना पड़ेगा। अब जल्दी से मैं ये सब कपड़े को अरेंज कर लेती हूँ। सुबह जल्दी उठने से सारे काम हो जाते हैं, धीरे धीरे पता ही नहीं चलता समय का, लगता कैसे काम हो गया इतना जल्दी, पता ही नहीं चल पाता है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। और इधर हमारे सारे कपड़े अरेंज हो चुके हैं।